वीआईपी केतन से हमारी पुरानी जान पहचान है। आज साल भर पहले इन्होंने हमें मैसेज किया था, फोन भी किया था। आपकी संपत्ति आपकी बाप की नहीं, इज्जत करें। हाय गाइस, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। मेरे व्लॉग में नहीं, शशांक केतन के व्लॉग में आपका बहुत बहुत स्वागत है। वीआईपी केतन। तो आज हम लोग जा रहे हैं सासाराम से पटना, पब्लिक ओपिनियन शूट करना है और काफी एक्साइटेड है। सुबह से हम लोग मतलब प्लानिंग कर रहे थे, प्लानिंग ही कर रहे थे और काफी एनर्जी भरा आज का दिन। 12 बजने वाले हैं और अभी जस्ट हमारी ट्रेन है। एक्साइटमेंट में मतलब हम लोग के पास वर्ड्स नहीं है बोलने को, हम लोग क्या बोले व्लॉग में हम लोग का। लेकिन जो भी हो, व्लॉग में आपको पूरे मजा आएगा। पूरे व्लॉग को देखिएगा लास्ट तक, तब तक के लिए बने रहिए। और यहाँ पे सामने देखिए, अभी आ गए हम लोग सासाराम जंक्शन। काफी खूबसूरत, क्योंकि यहाँ पे ना, हाँ पहले ये देख लीजिए सासाराम जंक्शन, और यहाँ पे बहुत सारे डिज़ाइन बनाए गए। ये काफ़ी पॉपुलर हुए चीज़, ये चीज़ बहुत मीडिया में भी वायरल रही और रोहतास की जितनी भी सारी चीज़ें, वो सारी चीज़ इसमें दिखाई गई है। इधर रेलवे कॉलोनी, इधर हो गया आपका स्टैंड, यहाँ पे आप गाड़ी लगा सकते हैं फ्री में, नहीं मतलब पैसे देना पड़ेगा उसके लिए। और चलिए यहाँ से हम आ रहा था, क्या बोलते हैं, प्लेटफॉर्म चढ़ने के लिए। वहाँ पर एक लिफ्ट भी है, लेकिन लिफ्ट का हम यूज़ नहीं कर पाए क्योंकि हम जाने वाले हैं 6 नंबर प्लेटफॉर्म पे, हमारी ट्रेन आने वाली है। तो गाइस फाइनली हम लोग देखिए ट्रेन में आ गए हैं, ट्रेन हमारी आ चुकी है यहाँ पे। ट्रेन लगभग 5-10 मिनट मिलेगी सासाराम में, और 4 बजे के अप्रोक्स हम लोग पटना पहुँचेंगे। तब तक ट्रेन नहीं, वही 4 बजे पहुँचा देगा, पहले पहुँचा देते हैं हमेशा। तो आज थोड़ा अभी हम लोग भगवान करके पहले पहुँचा दे आज भी, ताकि हम लोग 3 घंटे कंटिन्यू आराम से शूट कर सके वहाँ पे। तो गाइस अभी हम लोग आ गए हैं पटना और अभी हम लोग बस ट्रेन से उतरने वाले हैं। आ जाइए बात, राइट टाइम एकदम ट्रेन पहुंची। कैसा लगा सफर? बहुत बढ़िया था, लेकिन पूरा मूड खराब हो गया। मिल जाते हैं सफर में तो सफर खराब हो जाता है। भीड़ वैसे काफी बहुत ज्यादा है। चलते हैं बाहर, वहाँ पे कुछ दोस्त लोग आने वाले हैं। उससे पहले कुछ भोजन पानी, कुछ खाना पीना हो जाए ताकि एनर्जी रहे, तब तो वीडियो शूट होगा। तो अभी हम लोग लिफ्ट से नीचे उतर रहे हैं गाइस, और अभी हम लोग पटना जंक्शन के एक्सीलेटर से नीचे उतर रहे हैं, और अभी पटना जंक्शन देख सकते हैं आप सामने कितना ज्यादा भीड़ है, क्योंकि बिहार का राजधानी है इसलिए बहुत ज्यादा भीड़, और यहीं पे हमको वीडियो शूट करना है। पहले चलिए जल्दी से पेट पूजा कर लेते हैं, कुछ खा लेते हैं बाहर में। और फिर तो बात ऐसा है कि ये वीडियो मेरे ही चैनल के लिए शूट हो रहा है, लेकिन ये जो शूट कर रहे हैं हमारे साथ अभिषेक नंदन हैं, इनका भी चैनल है, इनके चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए, अभिषेक नंदन ब्लॉग। और भी कोई चैनल तो बता दीजिए जरा। नहीं, चैनल बहुत सारा है, पहले एक को सब्सक्राइब करिए, वहाँ पे सारा इन्फॉर्मेशन मिलेगा। बाकी अब भीड़ देखिए, हनुमान जी का मंदिर प्रणाम कर लीजिएगा सब लोग, और आशीर्वाद भी भगवान जी की तरफ से मिल जाएगा। और अगर हमारे ऑफिस पर आइएगा तो हमको यहाँ का लड्डू भी खिलाएंगे, बहुत ही फेमस लड्डू है जी। तो दोस्तों जैसा कि हम लोगों ने खा पी लिया और फिर उसके बाद मतलब जूस भी पी लिया, और यार बारिश मतलब घूमने के लिए पटना स्टेशन पर आप देख रहे हैं काफी मतलब बारिश होने लगा, पूरा मूड जो प्लानिंग था हम लोग अब खराब हो चुका है। हम लोग जिस काम के लिए आए थे उसमें पूरी तरह से बाढ़ आ चुकी है। और अभी पीछे मैं देख सकते हैं पूरी भीड़ पटना रेलवे स्टेशन पर, जो कि लोग भी खड़े हैं बारिश के कारण। मतलब हमारा तो प्लान खराब हुआ ही और लोगों का, और उससे भी ज्यादा मजेदार चीज ये है ना कि हमारे सामने जो टाइल्स लगी फिसल के लोग गिर रहे हैं, तो थोड़ा इंटरटेनमेंट भी हो रहा है। अभी हमारे साथ एक भाई मिले थे, वो भी इसी कैटेगरी के, मतलब हमारे कैटेगरी के हैं, इनका भी काम रुक गया है, बाधा आ गया। नाम बताइए अपना। मैं सोनू आनंद हूँ और मैं मीडिया से क्रिएटर आज तक। आज मैं न्यूज कवर करने के लिए पटना जंक्शन पर आया हूँ, उसके बाद बारिश हुआ, 28 जो है ना फिसलता है, आदमी को देखने थोड़ा हंसी हो रही है, तो कुछ नहीं बोल सकते हैं। जो हम लोग काम के लिए आए थे वो भले ही नहीं हो रहा है, लेकिन एंटरटेनमेंट हो रहा है, एंटरटेनमेंट बहुत ज्यादा हो रहा है। तो दोस्तों वीडियो शूट करने के बाद हम लोग अब ले चुके हैं हनुमान जी का लड्डू दोनों कोई, और उसके बाद मतलब गला भी हल्का बैठ गया यार, पूरा वीडियो शूट करते करते पटना जंक्शन से। और अब हमारी हो चुकी है ट्रेन की टाइम, तो हम लोग निकलते हैं घर की ओर, फिर उसके बाद बाकी ट्रेन की ओर सफर हम आपको दिखाएंगे कि आखिर ट्रेन में रात की जो सफर है वो कैसी है। तो दोस्तों पटना स्टेशन पर आने के बाद हम लोग खा रहे हैं कुकुम्बर, हिंदी में खीरा नमक के साथ। वैसे आप लोग नमक कम खाइए, हड्डी कहलाता है। बात यह ना कि इतना ज्यादा बोल दिया ना कि अभी कुछ ठंडा वंडा नहीं खा पा रहे, इसलिए सोचे इतने हल्का फुल्का थोड़ा एनर्जी मिल जाए। हाँ तो दोस्तों हमारी जो ट्रेन थी 7:20 वाली, वो हमने छोड़ दी, इतना भीड़ था एग्जाम को लेकर के। और आपको बता दें कि हमारे साथ में मौजूद हैं भैया भारत दर्शन ब्लॉग के योगी भैया, तो इनके भी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। भारत दर्शन ब्लॉग, भारत दर्शन ब्लॉग। चलिए ठीक है, शशांक केतन का ब्लॉग चल रहा है, वीआईपी केतन से हमारी पुरानी जान पहचान है। आज साल भर पहले इन्होंने हमें मैसेज किया था, फोन भी किया था, और हम लोग कहाँ जाना था, हम लोगों देव औरंगाबाद छठ पूजा जाना था, पर किसी वजह से ये नहीं जा पाए। उस समय से एक साल से हम लोग जान पहचान में हैं,
तो अभी एक साल बाद फिर से मिले हैं यहाँ पटना स्टेशन पर, अचानक से मिल गए, अचानक से मिले, और यही अचानक की खुशी जो है काफी बहुत ज्यादा है। मतलब हमारे आज का जो दिन है मतलब इतना अच्छा गया कि क्या बताएं आपको। बीच में बारिश हुई, थोड़ा मतलब डिस्टर्ब हुए हम लोग, लेकिन बाद में जब भैया मिले तो और जो मौसम है, मिजाज है, वो रंगीन हो गया, खुश हो गए, खुश हो गए, अचानक को मिलता है अपना परिचित। तो जो VIP केतन ब्लॉग है इसको आप सपोर्ट कीजिए, डेहरी डालमिया नगर के रहने वाले हैं और उधर का भी ब्लॉग बनाते हैं, तो खासकर जो डेहरी डालमिया नगर और आसपास के गांवों के लोग रहने वाले हैं उनको तो सपोर्ट करना भी चाहिए। जो लोकल ब्लॉगर हैं काफी मेहनत करते हैं ताकि वो पूरे बिहार में अपना नाम रोशन करें डेहरी डालमिया नगर का। थैंक यू भैया हमारे मतलब चैनल के लिए इतना सपोर्ट देने के लिए, प्रमोशन देने के लिए। तो दोस्तों आप भी जो है भैया के चैनल को भारत दर्शन ब्लॉग को जाके सब्सक्राइब कीजिए। मतलब एक हमारे जिला के एक ऐसे ब्लॉगर है जो काफी मतलब ऊंचाइयों पर अभी हैं, मतलब क्या बताएं आपको कि एक छोटे से लेवल से उठ करके एक अच्छी जगह पर पहुंचे हुए हैं भैया। तो आप भी जाइए इनको और सपोर्ट कीजिए कि ताकि इनका जो चैनल है वो मिलियंस में जाए, मिलियंस में जाए, मतलब और जितना हो सके यूट्यूब पर रिकॉर्ड बनाए इनके चैनल का, व्लॉगिंग चैनल का। दोस्तों काफी यार एक जगह खुशी मिल रही है तो एक जगह दुख मिल जा रही है। बताइए यहाँ पे हम लोग ऊपर बैठना पड़ रहा है, नीचे सीट नहीं होने के कारण थोड़ा सा पटरा का सीट है, लेकिन रेलवे जो है वो हमारी संपत्ति है, इसीलिए हमें भी संभाल के रखना चाहिए, रखना चाहिए, भले ही पटरा हो या कुछ भी हो उस पर बैठिए, सफर को सुहाना सफर बनाइए और हंसते खेलते सफर बनाइए। कुछ कुछ हम लोग के साथ भी कॉमेडी हो रहा है, पूरे दिन हम लोग के साथ कॉमेडी हुआ है, आज का दिन रोमांचक है, रोमांचक है। इस चीज को आप क्या बताएंगे, क्या अपने शब्दों में कहना चाहते हैं, कमेंट बॉक्स में जरूर शब्द लिख करके वीडियो को मजेदार और रंगीन बनाइए। जी सर कैसा लग रहा है सर, यहाँ पे लड़ाई आप देख पा रहे हैं ट्रेन में, ये सब जो झड़प थोड़ी थोड़ी हो रही है, इसमें क्या क्या कहना चाहेंगे? सीट को लेकर के है और जीवन में एक जो भागा दौड़ी है कि हमारा है, मेरा है, धन है, मेरा संपत्ति है, मेरा घर है, और ट्रेन में आने के बाद लगता है कि सीट मेरा है। तो ये मैं और मेरा है ना, यही सारे अनर्थों का जड़ है, तो हमें आकर्षण से मुक्त होना चाहिए। तो बहुत ही अच्छी बात कही सर ने, और इस चीज को आप लोगों को अमल करना चाहिए, हम लोग भी अमल करते हैं, साथ ही ब्लॉग में बने रहिए। हाँ, एक और साजिश मुझे, रेलवे आपकी संपत्ति है, आपकी बाप की नहीं, तो कृपया इज्जत करें भारतीय रेल का और इसका मजा लें, मजा लें, ठीक है, बने रहिए। अभी हम लोग खत्म नहीं कर रहे भाई, बने रहिए, अभी घर पहुँचना है। दोस्तों रात के बज रहे हैं दो बज रहे हैं ना जी, हाँ तो दो बज रहे हैं और हम लोग पहुँच चुके हैं डेहरी ऑन सोन, हमारे पीछे आप देख सकते हैं हमारे मतलब घर का स्टेशन है, और यहाँ पर मतलब प्यारी प्यारी गाय और जो भी मतलब कहीं जानवर हैं, मवेशी हैं, वो एकदम आराम से रोड पर लेटे हुए हैं, एक साथ एक प्रेम भावना से। तो इसी चीज को देखते हुए आप भी प्रेम भावना दिखाते हुए हमारे चैनल को सब्सक्राइब। हम लोग देखिए ट्रेन में जब आते हैं तो अक्सर लोग लड़ने लगते हैं, ये चीज़ हम लोग को सीखनी चाहिए कि ऐसे जब एक साथ यहाँ पे सो सकते हैं तो ट्रेन में भी थोड़ा एडजस्टमेंट करना चाहिए, अगर थोड़ा प्रॉब्लम होना चाहिए पता है तो हम लोग फिर नहीं सो सकते नहीं उस तरीके से नहीं, लेकिन लड़ना तो नहीं चाहिए, शांति से लोग बैठे हुए रात को गुजार रहे हैं। यही आज का हमारा सफर था। इस पूरे सफर को आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, धन्यवाद।